तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में फैमिली इनकम कौन सी मान्य होगी, इनकम वेरिफिकेशन वाली या फैमिली आईडी वाली, ये जो कमेंट है मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही हैं कि सर इनकम जो हमारी वेरीफाई हुई है लोकल कमेटी द्वारा वह हमारी मान्य होगी या फिर जो हमारी फैमिली आईडी में है वह मान्य होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं सही और सटीक और सच्ची जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपने जो इनकम अपनी फैमिली आईडी में इस प्रकार ऐड की है कि 96,000, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, ये जो आपने इनकम ऐड की है दोस्तों ये इनकम मान्य नहीं है। ये केवल आपके द्वारा सत्यापित की गई है, हरियाणा सरकार ने इसलिए ऐड की करवाई है ताकि कुछ अनुमान लग सके। आपने इनकम ऐड कर दी तो अब जब लोकल कमेटी इनकम वेरीफाई करेगी तो उसके सामने आपके द्वारा जो इनकम भरी गई है वो भी दिखेगी, उससे कुछ उनको अनुमान लगेगा, आपसे पता करेंगे, कुछ वेरीफाई करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद आपकी इनकम लोकल कमेटी वेरीफाई करेगी जिसमें टीम लीडर, सोशल वर्कर, स्टूडेंट, वॉलंटियर और जो लोकल ऑपरेटर है, ये पांच जो सदस्य हैं, पांच जो मेंबर हैं वेरीफाई करते हैं। और ज़्यादातर जो वेरीफाई फिलहाल कर रहे हैं हरियाणा में, टीम लीडर तो मेन है क्योंकि वहीं फैमिली आईडी को मैप करता है और वहीं फैमिली आईडी को पहली बार जो हमारी इनकम वेरिफिकेशन है वो करता है। इसके बाद जो हमारा जो ऑपरेटर है, वॉलंटियर है, ये जो तीन हैं, टीम लीडर, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ये जो वॉलंटियर, ये जो तीन मेंबर हैं ये सबसे ज़्यादा हरियाणा में इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट हैं और सोशल वर्कर हैं वो कहीं कहीं पर ही काम कर रहे हैं, इनकम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से टीम लीडर तो मेन है और इनमें से जो बचे हुए हैं उनमें से कोई दो और वेरीफाई कर देते हैं तो आपकी इनकम वेरीफाई मानी जाती है। ये जो वेरीफाई करेंगे वहीं आपकी इनकम मान्य होगी और कैलकुलेट होकर जो ये अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर दो ने सेम कर दी है तो उन्हीं की इनकम यहां पर उठा ली जाएगी, वहीं इनकम मान्य होगी। इनमें से जो दो मेंबर कर देंगे, क्योंकि अगर तीन ने इनकम वेरीफाई की मानकर चलिए, उनमें से एक ने भर दी आपकी 75,000 और दो ने भर दी 1-1 लाख, तो जो दो ने भरी है 1-1 लाख वहीं यहां पर ऐड होगी। इसके बाद जो यहां पर वेरीफाई हो गई, वेरीफाई कितनी हुई है यह अगर आप जानना चाहते हैं आपकी फैमिली आईडी की इनकम, तो मैं वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी वेरीफाई हुई है। दोस्तों तो दोस्तों मान्य कौन सी होगी, तो मान्य यही होगी जो लोकल कमेटी ने खुद आपकी वेरीफाई की है, न कि आपने खुद अपने हाथ से भरी थी या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर खुद अपने अनुसार भरवाई थी, वो मान्य नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में, मैंने आपको जानकारी दे दी है जो लोकल कमेटी ने इनकम वेरीफाई की है वही मान्य होगी, न कि आपने खुद ने भरी है वो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और पीछे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।